हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध एंड वेलकम बैक टू संध फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे हो। सो अभी मॉर्निंग के 11 बजे हैं और मेरा रूटीन का तो ऑलमोस्ट सब काम खत्म हो गया है और अब सिर्फ मुझे दोपहर की रसोई बनानी है, उसके अलावा मुझे अभी कुछ भी काम नहीं है। सो अभी मैं वीडियो एडिटिंग करने वाली हूँ, ग्रीन चने को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। मैं हर साल करती हूँ और मेरे ये चने 7 या 8 महीने तक तो चलते ही है, तब तक तो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार ग्रीन चने की सब्जी बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस बार तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ मैंने 4 किलो चने का ही स्टोर करने के लिए बना रही हूँ वीडियो, उसके बाद मैं और 5 किलो चने का स्टोर करने वाली हूँ। और कल मैंने वीडियो भी बनाया है जिसका मैं अभी एडिटिंग करने वाली हूँ, और आप सब लोग भी ट्राई करना क्योंकि अभी अभी ग्रीन चने बहुत आते हैं और बहुत सारे लोगों को यह सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद होती है ग्रीन चने की। सो ट्राई करना। मिनिमम 6 मंथ के लिए तो हम इसको स्टोर कर ही सकते हैं। मैंने तो कई बार 7 या 8 महीने तक भी चलाए हैं और तब तक तो ये पूरे हो जाते हैं। सो उससे ज़्यादा कितने चलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इस साल मैं थोड़े ज़्यादा करने वाली हूँ स्टोर, क्योंकि मुझे ग्रीन चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सालों से ये कर रही हूँ और इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। सो आप सब लोग भी ट्राई करना। बहुत सारे लोगों को ग्रीन चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन हम इसको सिर्फ 1 या 2 मंथ तक ही खा सकते हैं। सो जिसको भी पसंद हो वो स्टोर कर सकते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैं वीडियो का एडिटिंग करती हूँ और आप सभी को बाय और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी मैंने यहाँ पे चने लिए हैं जिसके छिलके मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ पे मैंने पानी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी मैंने इसमें 3 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच डाल रही हूँ। कुल मैंने इसमें 4 चम्मच नमक की मिलाई है। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं चीनी। सो अभी मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे छोटी चम्मच यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच चीनी डाली है। अब हम इस पानी को गर्म होने देते हैं। जब पानी फुल गर्म हो जाए और पानी में बबल आने लगे तब तक हम इसको गर्म करेंगे। तो अब ये पानी में बबल आने लगे और फुल गर्म हो गया है, सो अब हम इसमें चने डाल देंगे। अब हम इसको हिला के सब कुछ मिक्स कर लेंगे। हम इसे 3 या 4 मिनट तक रखेंगे। जब हमारे चने का जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए तब हम इसको निकालेंगे। तो 3 या 4 मिनट तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। पानी में चने डालने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। अभी 4 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस चने का जो कलर है वो चेंज हो गया है थोड़ा सा। सो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। ओहो, मैंने गलती से इसमें चम्मच छोड़ दिया और वो डूब गया है। सो पहले तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। सो अब हम इस चने को एक छलनी में निकाल लेंगे जिससे जो सारा पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे जो छोटे छोटे चने थे जो बहुत कच्चे थे वो सब ऊपर आ गए हैं। सो अब मैं इसको एक छलनी में निकाल लेती हूँ। अब जो बाकी के चने हैं इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ। सो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहेंगे जिसमें इसमें जो भी पानी है वो सारा निकल जाए।
अब इसमें से सारा पानी निकल गया है, अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े में सुखा लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े में सारे चने को सुखा लिया है। मैंने यहाँ पे किचन में ही सुखाया है। और आप सब लोग भी एक बात खास ध्यान रखें कि इस चने को धूप में नहीं सुखाना है, छांव में ही सुखाना है। धूप में सुखाने से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और थोड़े से ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए हम इसको छांव में ही सुखाएंगे, वो भी 4 या 5 घंटे के लिए। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको एक एयर टाइट प्लास्टिक या एयर टाइट डिब्बे में भर लेंगे, लेकिन याद रखना कि वो एयर टाइट ही होना चाहिए। अभी 5 घंटे हो गए हैं और आप सब लोग देख सकते हैं ये जो चने हैं वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसको एक एयर टाइट डिब्बा या प्लास्टिक में भर लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे इस सारे चने को इस एयर टाइट प्लास्टिक में भर लिया है। ये जिप वाली बैग है जो एयर टाइट होती है, उसमें मैंने इस चने को भर लिया है। और अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। और हाँ, ये बात भी खास ध्यान रखना कि हम इसको फ्रीज़र में ही रखेंगे, अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, इसलिए हम इसको फ्रीज़र में ही रखना है। तो गाइस, ये थी चने को स्टोर करने की प्रोसेस। और एक बार मैं आपको बोल के भी कह देती हूँ कि पहले चने के छिलके उतार लेने हैं, उसके बाद चने डूब जाए इतना हमें पानी लेना है, पानी फुल गर्म हो जाए उसके बाद हमें उसमें नमक डालना है और चीनी डालनी है। 1 किलो चने में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच चीनी और नमक बड़ी चम्मच डालना है। फिर पानी फुल गर्म हो जाए, पानी में बबल आने लगे, उसके बाद हम इस पानी में चने को डालेंगे और उसको 4 या 5 मिनट के लिए हम इसे ही गर्म पानी में रहने देंगे लो फ्लेम पर। और जब चने का कलर थोड़ा चेंज हो जाए 4 या 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चने को एक छलनी में निकाल देंगे। जब छलनी में से सारा पानी निकल जाए उसके बाद एक कॉटन के कपड़े में हम चने को सुखा लेंगे और उस चने को 4 या 5 घंटे तक हम को सुखाएंगे। जब चने में बिल्कुल पानी न रहे और चने ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको एयर टाइट डिब्बे में या एयर टाइट प्लास्टिक में भर लेंगे, जो जिप वाली प्लास्टिक आती है ना उसमें। और उसके बाद खास ध्यान रखना कि चने को हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में रखने से वो बिगड़ जाएंगे। तो ये थी चने को स्टोर करने की प्रोसेस, और आप लोग भी ट्राई करना। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के ये ग्रीन चने बहुत फेवरेट होते हैं, आप सब लोग भी ट्राई करना। और हाँ, एक और बात बताना भूल गई कि फिर जब हमें उसकी सब्जी बनानी हो तब उसको फ्रीजर में से 1 घंटे पहले निकाल लेना है, और जितनी सब्जी बनानी है उतने चने निकाल के उसको 1/2 घंटे के लिए गर्म पानी में ऐसे ही रख देने हैं, जिससे वो जैसे पहले थे चने वैसे ही बन जाएंगे। चलो गाइस, अभी सबको बाय, और आज का वीडियो भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।